गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी द चैप्टर गुड हैबिट्स एंड सेफ्टी रूल्स. ओके, व्हाट आर गुड हैबिट्स? गुड हैबिट्स क्या होती हैं? अच्छी आदतें, ठीक है. सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं? रूल्स अपने सेफ्टी के लिए. ओके, तो देखो, हमें हमेशा हेल्दी और फिट रहने के लिए कुछ गुड हैबिट्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे और हमारी लाइफ की कंडीशन अच्छी चलती रहे, ठीक है. तो आज हम आपके कुछ गुड हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे. गेट अप बिफोर द सनराइज, हमें हमेशा सनराइज से पहले उठना चाहिए. टेक फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलर, एक्सरसाइज हमेशा करना चाहिए. हमेशा ब्रश करना चाहिए मॉर्निंग में और जाने बेड में जाने से पहले. हमें हमेशा बात करना चाहिए रेगुलरली, ओके, रोज़. क्लीन क्लोथ्स, साफ क्लोथ्स पहनने चाहिए. हेयर एंड नेल्स को हमेशा शॉर्ट एंड क्लीन रखने चाहिए. नेल्स को कभी बाइट नहीं करना चाहिए. वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, हैंड्स को मील से पहले एंड बाद हमें हमेशा वॉश करना चाहिए. च्यू योर फूड वेल, फूड को अच्छे से खाना चाहिए. ऑलवेज ईट फूड एट अ क्लीन प्लेस, क्लीन प्लेस में हमेशा अपने फूड को खाना चाहिए, ठीक है. इवनिंग में गेम्स खेलने चाहिए, आउटडोर गेम्स, ओके. डोंट ईट अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स या जंक फूड्स, नहीं खाने चाहिए, चॉकलेट्स नहीं खाने चाहिए. डू योर होमवर्क रेगुलरली, अपना होमवर्क हमेशा रेगुलरली करना चाहिए. सेफ्टी रूल्स, अब देखो, हमें हमारे सेफ्टी के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है. सेफ्टी रूल्स हमारे सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, हेल्थ और हमारी हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है. हमें हमेशा कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए. जैसे हमें हमेशा फुटपाथ में वॉक करना चाहिए, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए रोड में, ट्रैफिक लाइट्स हमेशा फॉलो करना चाहिए. ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, ऑलवेज क्रॉस द रोड एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग, रोड को हमेशा क्रॉस करना चाहिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग में. वेयर देयर इज़ नो ज़ेब्रा क्रॉसिंग, और जहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग ना हो, लेफ्ट एंड राइट क्रॉसिंग से पहले देखना चाहिए. नेवर गेट इन टू अ मूविंग बस, मूविंग बस में कभी भी नहीं चढ़ना चाहिए. ऑलवेज गेट इन टू अ बस इन अ क्यू, हमेशा लाइन में जाना चाहिए बस में. नेवर लीन आउट ऑफ मूविंग बस, मूविंग बस से कभी भी बाहर नहीं, सर अपना हाथ पाँव नहीं निकालना चाहिए. नेवर ट्रेवल ऑन द फुटबोर्ड ऑफ अ बस. नेवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए, नाइफ सीजर हो गए जैसे. नेवर पुट योर फिंगर, कभी भी फिंगर को इलेक्ट्रिकल स्विचेस में नहीं रखना चाहिए. स्विमिंग के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए. और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेंजर से कभी भी टॉक नहीं करना चाहिए. ये आपके कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए अपने सेफ्टी और हैप्पीनेस के लिए, ओके. सो आज हम यही फिनिश करते हैं, इसके आगे अब हम कल कंटिन्यू करेंगे. ओके, थैंक्स, बाय.